हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल सुहासिनी अभिलाषाएं। आज मैं यहाँ पर अपना धूप सेकने के लिए बैठी हूँ। सैटरडे का व्लॉग है, छुट्टी है आज, लेकिन घर से काम चल रहा है, बाकी सारे काम भी चल रहे हैं, घर के काम भी चल रहे हैं और एवरीथिंग इज़ गोइंग लाइक दैट ओनली। तो आज मैं एक ना डिफरेंट सा टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत बार मैं फेस करती हूँ। बहुत से लोग इंटरेक्ट करते हैं तब इस टाइप की बातें बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब कोई इंसान सक्सेसफुल हो जाता है तो लोगों को एकदम से दिखाई देता है, और जब दिखाई देता है तो उनको लगता है कि यार ये तो ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गया है। बट उन लोगों को ये नहीं पता होता कि जो हम लोगों के लिए ओवरनाइट है वो उस इंसान के लिए बहुत लंबी नाइट है। तो उसमें उस इंसान ने उस रात में, उस लंबी रात में, कई रातों से मिलकर बनी उस ओवरनाइट में, हमारी सो कॉल्ड ओवरनाइट में कितने सपने देखे, कितना कुछ किया, कितनी बार वो सोया ही नहीं, कितना जाग जाग के उसने वो रातें बिताई, ये सब लोगों की समझ में नहीं आता है। और फिर उसके बाद होता ये है कि वो लोग सोचते हैं कि ओके, दिस इज़ द मंत्रा फॉर सक्सेस और हम भी इसी के कदमों पर चलकर और सक्सेसफुल हो जाएंगे। ही हैज़ क्रिएटेड अ फॉर्मूला एंड वी कैन फॉलो दिस एंड वी कैन बी ओवरनाइट सक्सेसफुल। बट इट्स नॉट लाइक दैट। जब हम किसी की भी जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं और तो पता चलता है कि इट्स नॉट रियली लाइक दैट। और इसका सबसे सही तरीका पता क्या होता है कि हम जब कोई अचीवमेंट करते हैं एंड वी एनालाइज इट कि वॉज इट रियली ओवरनाइट जर्नी, तब हमें पता चलता है कि नहीं, इट वॉज नॉट एट ऑल ओवरनाइट जर्नी। अब इसका एक एग्जांपल है, मेरी जो क्लासेस चलती रहती हैं थिएटर वगैरह की, तो हमारा एक शो हुआ, उस शो में एक लड़का आया, उसने बोला कि मैडम आई वॉन्ट टू जॉइन योर थिएटर ग्रुप। मैं कहा मोस्ट वेलकम। कहते हैं कि ना मैंने आपके 3 शोज़ देखे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जो बंदा काम कर रहा है ना, आई कैन डू बेटर देन हिम। मैंने कहा बहुत अच्छा है, ऐसा कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छा है। तो कहते मैंने स्कूल में भी बहुत प्लेज वगैरह किए, कॉलेज में भी किए। मैंने कहा नथिंग लाइक दैट। तो कहते हैं तो मैं कब आऊँ? मैंने कहा आ जाइए, आप ऑडिशन के लिए आ जाइए। बंदा ऑडिशन के लिए आया एंड ट्रस्ट मी, ही कुड नॉट लर्न इवन 4 लाइन्स। आई गेव हिम हाफ एन आवर, ही सेड मैडम आई नीड मोर टाइम। आई सेड ओके डार्लिंग, नो प्रॉब्लम। देन ही टुक 2 आवर्स, और 2 घंटे में हमारी तो रिहर्सल्स हो रही थी, बट वो इंसान बाहर जाके लर्न कर रहा था एंड ही कुड नॉट लर्न इट। फिर मैंने उसको कहा कि डू वन थिंग, आप सचमुच में थिएटर करना चाहते हैं तो आप वर्कशॉप्स ज्वाइन कर लीजिए, किसी की भी कर लीजिए, XYZ किसी की भी कर लीजिए। तो उसने कहा मैं आप ही की क्यों ना कर लूँ। मैंने कहा ठीक है, जब शुरू हो गया आई लेट यू नो। एंड आई इन्फॉर्म्ड हिम व्हेन माय वर्कशॉप स्टार्टेड। उसके बाद हुआ ये कि वर्कशॉप के पहले दिन तो ही वॉज़ लाइक कि मैडम मैं जॉब छोड़ देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू जॉइन दिस, आई वॉन्ट टू मतलब समर्पित माई सेल्फ टू थिएटर ओनली। मैंने कहा ओके, आई वॉन्ट टू बी बड़े बड़े लोगों के, दिग्गजों के नाम लिए कि मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, ऑल दैट। मैंने कहा ओके, बड़े वो सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए ना मेहनत बहुत करनी पड़ती है। उसके लिए क्या तैयारी है, क्या कुछ उन लोगों ने किया है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद उस 15 दिन की हमारी वर्कशॉप अटेंड की एंड द लास्ट डे व्हाट डिड ही से, सबके रिव्यूज़ जब आते हैं तो इस रिव्यू वाज दैट कि जितना मैं आसान समझता था ये जर्नी उतनी आसान नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी जर्नी तो अब शुरू हुई है। तो एग्जैक्टली यही सच्चाई भी होती है, हमें नहीं समझ आता है कि सामने वाले को जो ये सक्सेस मिली है इसके पीछे क्या था। और सक्सेस की ना एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, विच आई रियलाइज कि सक्सेस जब आपको बिल्कुल स्पॉन्टेनियस, स्मूथ और एफर्टलेस नज़र आती है ना, वही उसकी खूबसूरती होती है और वही उसका एक्चुअल एफर्ट होता है।
जब आप बिल्कुल किसी चीज़ को घिस घिस के स्मूथ कर देते हैं बिल्कुल, और उसके बाद जो उसके अंदर वो फ्री फ्लोइंग सा सीन चलता है, वही एक्चुअल में सक्सेस है। जैसे मक्खन में छुरी घुमाने की तरह है, मक्खन में छुरी घुमाना इज़ नॉट सो ईजी। वाई? क्योंकि वो दिखता है और करना भी आसान हो जाता है, बट जो मक्खन बनने का प्रोसेस होता है ना, वो इजी नहीं होता है। ये आप लोग भी समझ सकते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे यही कहना होता है कि नहीं, आप पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए, ओके? और दूसरी बात ये है कि आप अगर इंस्पायर होना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं किसी से, तो उस केस में आप पहले उसकी पूरी हिस्ट्री को समझ लीजिए, उसकी जर्नी को पूरा समझ लीजिए, उसके बाद ही आप हो जाइए। उसने कितना तो अपोजिशन टाइप ऑफ थिंग झेली हुई होती है, कितना लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, अगर वो किसी को अपना बता भी देता है तो। जैसे मैं ही आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा थिएटर का क्रेज़ रहा एंड आई डिड अ लॉट वर्क इन इट, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम का मेरा गैप आ गया, माई किड्स वर वेरी यंग, फिर मुझे घर भी देखना था, मुझे जॉब भी देखनी थी, सो मैनी थिंग्स वर देयर इन लाइफ, तो मैं उस तरफ बहुत ज़्यादा देख नहीं सकी, बट मीनवाइल आई कैरीड ऑन माई स्टडीज़, उसको मैं चलाती रही कंटिन्यू डे, और मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करती रही। अब उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जैसे ही मौका मिला तो आई स्टार्टेड डूइंग सम वर्क इन थिएटर, छोटी छोटी स्किट्स से हमने शुरुआत की। तो मैंने एक दिन ऐसे बैठे बैठे अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड, और भी लोग बैठे थे, तो उससे मैंने ऐसे ही कहा कि यार मुझे लगता है कि एक ना ग्रुप रजिस्टर करना चाहिए एंड आई वॉन्ट टू गो टू ना NST समडे। तो वट वॉज हर रिएक्शन? शी इज़ माई क्लोज फ्रेंड, इवन टूडे शी इज़ माई क्लोज फ्रेंड। उसका रिएक्शन क्या था? उसने बाकियों को भी बुलाया, जस्ट लिसन लिसन जस्ट लिसन टू हर, मैडम कह क्या रही है देखना ज़रा। कहते वो चाहती हैं कि वो एक रजिस्टर्ड थिएटर ग्रुप बनाए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाए। और बोलते हैं कि ना मैं थोड़ा उछक के देखा, मैं सबकी तरफ देखा, देन शी सेड कि ना आई कैनॉट अंडरस्टैंड कि दो छोटी सी स्किट कर लेने के बाद किसी में ऐसा कॉन्फिडेंस आ कैसे जाता है। मेरी तो गले से नीचे नहीं उतरती वो बात, बट मैं लगी रही। इट वॉज ऑफकोर्स, अगर कोई दिल को लगा ले तो इट वॉज इंसल्टिंग मोमेंट, नो डाउट, सबके सामने आपका मजाक बन रहा है। तो मैंने भी स्माइल पास करके ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम, और मुझे तब लगा कि यस शी इज़ राइट, कि अभी तो आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते हो, अभी तो आपके पास कोई ज़मीन नहीं है, और आप कैसे ऐसे बड़ी बातें सोच सकते हो। बट मैं ना उस चींटी की तरह काम करती रही करती रही, जो नहीं होता एक एक दाना ला के वहाँ पर रखती है और फिर ढेर बनता जाता है, उस टाइप से होता रहा। तो जब मुझे वहाँ पर, मैंने वहाँ पर छोटे छोटे से कोर्सेज किए, बिकॉज मेरी एज निकल चुकी थी कि मैं लॉन्ग टर्म कोर्स नहीं कर सकती थी, बट मीनवाइल आई केप्ट ऑन डूइंग माय थिएटर। और जब वहाँ पर इंटरव्यू हुआ, टेस्ट हुआ, तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे बायोडाटा क्रिएट करना पड़ा, तब मैंने अपना सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू किया, मैंने क्या क्या काम किया। यू वोंट बिलीव, मेरे 27 नाटक 27 प्लेज हो चुके थे विद मल्टीपल शोज तब तक, और मुझे मालूम भी नहीं चला। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे, मतलब इतना बड़ा बन चुका था वो, जो तिनको से एक आशियाना सॉर्ट ऑफ बन चुका था, या वो कहते हैं ना राई से एक पर्वत बन चुका था, और जिसके बेस पे मुझे वहाँ पर एंट्री मिल गई। तो इट वॉज़ अ शॉर्ट टर्म कोर्स, बहुत लंबा कोर्स नहीं था, लेकिन वो भी मेरा सपना ही था। एंड नॉट ओनली दैट, उसके बाद इस मेहनत के बाद अभी भी मेरी जर्नी चल रही है, नो डाउट इन टू इट। आई गॉट फेलिसिटेड बाई सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, सेवरल इंस्टीट्यूशंस फॉर माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन थिएटर। सो ये जर्नी चलती रही, और
मज़े की बात तो ये थी कि जब ये सब हो रहा था, जब हम लोगों को फेलिसिटेट किया जा रहा था, तब वही लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, दे वर इन द फ्रंट रो ऑफ क्लैपिंग फॉर अस। सो मुझे उन अवार्ड से ज़्यादा वो क्लैप्स जो थे ना उन लोगों के, मेरे अपने लोगों के, मेरे अपने दोस्तों के, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, अपना काम करते रहने के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचने की ज़रूरत होती है, किसी और ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, कौन क्रिटिसाइज़ कर रहा नहीं होती है। लेकिन हाँ, आप जो कर रहे होते हैं उससे, उस सपने को सिर्फ देखना ज़रूरी नहीं होता है, उसके लिए काम करना आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं सिर्फ सपना देखकर बैठ जाती, एज्यूम करती रहती तो नहीं होता, बट क्योंकि मैं लगी रही उसके अंदर, तब जाकर वो राई से पर्वत बनने की एक प्रक्रिया हो सकी, एक जिसको कहेंगे एक डेस्टिनी टाइप ऑफ बन सकी, वो चीज़ एक माइलस्टोन टाइप ऑफ मैं अपने लिए बना सकी, एक अपने लिए प्लेटफॉर्म जनरेट कर सकी। तो मुझे यही लगता है, और फिर वो मैं कंटिन्यू रखा। फिर मुझे लगा कि ना यार, डिस्करेज तो होना नहीं है, बिकॉज हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, कोई दूसरा आउटर फोर्स मोटिवेट करे मैं एटलीस्ट विश्वास नहीं करती। आउटर फोर्सेस आपको ना हमेशा खींचने के लिए ही होती है, आपको अपने अंदर से अपना मोटिवेशन ना बहुत ज़्यादा बनाए रखने की ज़रूरत होती है, खुद को बहुत हर वक्त होल्ड करके रखने की ज़रूरत होती है। और फिर उसको जैसे होता है ना, इट्स समटाइम्स व्हाट आई फील, मैं सही बताऊँ आपको, कि इट्स लाइक सेलिंग योर बोट अगेंस्ट द करंट। पानी ऐसे बह रहा है और मुझे उसके अगेंस्ट 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 जाना है, अपने आप को बहुत रिटेन करना पड़ता है। बहुत बार लगता है कि आप गिर रहे हो, आपका मनोबल गिर रहा है, डिमोटिवेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बट उन सब से ओवरकम करना पड़ता है। और आपको कुछ नहीं सोचना है, सिंपल सी चीज़ है, आपका ओवरनाइट तभी बनेगा जब आप बिना कुछ सोचे पता नहीं कितनी रातें आप जाग के निकालोगे, कितनी मेहनत करोगे, और वो मेहनत आपकी लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, ये शर्त है। किसी को ये नहीं पता लगे कि आप क्या मेहनत कर रहे हो, आप अपनी जर्नी करते रहो, और जब आप परफॉर्म करते हो और वो ऐसे लगना चाहिए कि यस, ये तो लक था, ये तो ओवरनाइट जर्नी थी, ये तो ओवरनाइट सक्सेस है, इस टाइप की फील आनी चाहिए। लेकिन जब ऐसी फील आती है तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि, समझने की भी कोशिश करनी चाहिए कि इसके पीछे कितने एफर्ट्स आपने भी डाले हैं, और इसलिए अपनी जर्नी को सच में किसी को ओवरनाइट लगने देना ही आपकी सक्सेस है, स्मूथनेस एफर्टनेस लगना ही आपकी सक्सेस है। लेकिन ये मान के चलना है कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उनकी जर्नी सचमुच ओवरनाइट नहीं होती है, उसके पीछे उनकी कई रातों की मेहनत, कई रातों के सपने, खुली आंखों से देखे हुए सपने, उन सपनों पे किया हुआ काम, उन सपनों के लिए बहाया हुआ पसीना, उन सपनों के ऊपर मतलब इतनी खुली आंखों से देखा कि वो खुली आंखों से आपके आंसू भी निकलने लग जाए, तो आंखों को ब्लिंक नहीं कर सकते, वो इस टाइप की मेहनत होती है, और वो मेहनत ही आपको मज़ा देती है। डेस्टिनी जो होती है वो एज सच कुछ भी नहीं होती है, सक्सेस एज सच कुछ नहीं होती है, इट्स बेसिकली आवर जर्नी एंड नथिंग एल्स। इसके लिए एक मुझे बहुत अच्छा वो लगता है, हमेशा मैं उसको मेंशन करती हूँ, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि बुद्ध बनने के लिए हर किसी को अपना सिद्धार्थ बनना पड़ता है। बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलकर कोई कभी बुद्ध नहीं बना, उसे खुद का सिद्धार्थ खुद ही बनना पड़ता है। पहले उसे सिद्धार्थ की जर्नी पूरी करनी पड़ती है, फिर उसे बोधिसत्व की प्राप्ति होती है, और तभी वो बुद्ध बन सकता है जो आपको कूल एंड काम नज़र आता है। ये हर एक के बारे में होता है। तो किसी की भी जर्नी से आप जब मेस्मराइज्ड होते हैं तो सैल्यूट देयर एफर्ट्स, नोन
अननोन व्हाटएवर, ये मान के चलिए कि सचमुच इसके पीछे बहुत मेहनत थी। सो ऑलवेज सल्यूट देम, गेट मेसमराइज्ड बाय दैट, नॉट बाय दैट फेम और नॉट बाय दैट आकर्षण। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त लेती हूँ, और अगर आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो डोंट हेजिटेट टू डिसलाइक इट, और फिर भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्यों नहीं अच्छा लगा, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। और उसके बाद आप इससे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए। सैटरडे और ट्यूसडेज को इस पर व्लॉग्स अपलोड करती हूँ मैं, और टिल नेक्स्ट व्लॉग इट्स टाइम टू से बाय बाय।